दोस्तों, अगर आपको 10 की 30 डिग्री की वैल्यू याद है कि 10 30 पे कितना आंसर होता है, तो आपके लिए यार बाकी की डिग्रियां निकालना मजाक हो जाएगा। बिल्कुल हंसते खेलते निकाल पाओगे इनको। करना क्या, अगर आपको 10 30 की वैल्यू याद है कि 1/√3 होती है, तो आपको 45 के निकालने के लिए 30 वाली के जो नीचे की तरफ ये चल रहा है ना √3, इसको छिपा लेना है। इसको छिपाते ऊपर बचेगा 1, तो इसका मतलब 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। और गाइस, इस तरीके से अगर आपको 60 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो 60 के लिए आपको करना क्या है, इसकी ऊपर वाली वैल्यू को छिपा लेना है, तो नीचे बचेगा √3, तो इसका मतलब 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, है ना। तो गाइस, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा √3। इसी तरीके से अगर गाइस 90 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए, तो 90 में एन का मतलब निकालना आप। 90 डिग्री में एन मतलब होता है गाइस नॉट डिफाइन। और इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, तो गाइस 0 डिग्री पे जो वैल्यू आने वाली, 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। और 90 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन।